नमस्कार। आज हम कक्षा 6 में पार्ट 5 पदार्थों का पृथक्करण के बारे में पढ़ेंगे, यानी जो पदार्थ होते हैं उनको अलग कैसे कर सकते हैं। पृथक्करण की विधियाँ, सबसे पहले हस्तचयन, हस्त यानी हाथ, हाथों ने चयन यानी चुनकर अलग करना। इस विधि का उपयोग गेहूँ, चावल तथा दालों से कुछ बड़े मिट्टी के कणों तथा भूसे को पृथक करने में किया जाता है। यानी कोई भी पदार्थ है, यदि उसके अंदर ज़्यादा बड़े मिट्टी के दान मिट्टी हो या फिर पत्थर हो या फिर भूसे हो, उसको हम हाथ से अलग कर सकते हैं। ऐसे पदार्थों में ज़्यादा अशुद्धियाँ नहीं होती है। दूसरा है थ्रेशिंग, सूखे पौधों की डंडियों से अन्न कणों अथवा अनाज को पृथक करने के प्रक्रम को थ्रेशिंग कहते हैं। यानी जो किसान है वो अपने अनाज को निकालने के लिए थ्रेशिंग का काम में लेते थे, और उसके लिए क्या करते हैं, अनाज को कूट पीट करके अलग करते हैं। फिर है निष्पावन, इस विधि से हल्के भूसे को भारी अन्न कणों से पृथक करने के लिए करते हैं। इसमें हवा के माध्यम से जो भारी कण होते हैं वो पास में गिरते हैं तथा जो अशुद्धियाँ होती है वो दूर जाकर गिरती है। चालन, इस विधि का उपयोग मिश्रण के दो ऐसे अवयवों जिनकी अमापों में अंतर हो, यानी ऐसे मिश्रण जिसके अंदर दो प्रकार के अवयव यानी दो प्रकार के घटक हो और जिनके अमाप है उनका जो माप है उसमें अंतर हो, यानी एक बड़ा और एक छोटा हो, उसको पृथक करने में किया जाता है। जैसे हम आटे को चालने के लिए किया जाता है, जिसमें आटा होता है बारीक वो नीचे आ जाता है तथा उसमें जो पृथक्करण अशुद्धि होती है वो ऊपर रह जाती है। फिर है औषाधन, औषाधन में क्या होता है, देखो मिश्रण में जल मिलाने पर भारी अवयवों को नीचे तली में बैठ जाने के प्रक्रम को औषाधन कहते हैं। यानी ऐसे कोई मिश्रण के अंदर यदि हम जल मिलाए तब एक मिश्रण एक घटक है वो नीचे रह जाएगा और एक ऊपर आएगा, और उसे हम क्या कहेंगे, औषाधन। दूसरा है निस्तारण, निस्तारण में कहते हैं कि औषाधित मिश्रण को, जो हमने औषाधन में काम में लिया था वही औषाधित मिश्रण को बिना हिलाए जल को मिट्टी सहित उड़ेलने की क्रिया को निस्तारण कहते हैं।